दोस्तों कल के डेट में यानी 3 तारीख को मैं न्यूज़ पे देखा था कि EYD को आधार जो वाला नंबर है जो 2 साल पहले बंद हो चुका है ऑटोमेटिक कॉन्टेक्ट नंबर में सेव हो रहा है। तो मैं भी ज़रा सुबह चेक किया हूँ तो मेरे भी EYD दिखा दिया है, से EYD नंबर सेव है। ये रहा EYD नंबर दोस्तों, EYD नंबर आप देख लीजिए। फिलहाल मैंने सेव नहीं किया है, ऑटोमेटिक मेरे मोबाइल में सेव है, इसको मैं डिलीट करने जा रहा हूँ। ये क्या है, क्यों हो रहा है सेव, इससे मेरे मोबाइल से क्या हैंग हुआ है, क्या डाटा लीक हुआ है मुझे पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल अगर एक ख़तरा है तो फ़िलहाल मैं इसे डिलीट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कल ही न्यूज़ पे देखा, उसके बाद आज मैं चेक किया हूँ तो EYD नंबर ही दिखा रहा है। फ़िलहाल मैं इसे डिलीट करने जा रहा हूँ, डिलीट, ओके। अभी दोस्तों मैंने डिलीट कर दी, अब इसको बैक करके एक बार देख लेता हूँ कॉन्टेक्ट में UI। अब वो नंबर फ़िलहाल डिलीट हो चुका है। अब इससे क्या हैंग हुआ क्या पता नहीं मुझे, फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर दिया हूँ। और इसको हो सके तो सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए, इससे क्या हैंग हुआ क्या, इसके पीछे कौन है, सिम कंपनी है कौन है, जो भी है उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।